बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी शेयर की है मैंने वो है मज़ेदार सी चटपटी सी हाईवे कढ़ाई की रेसिपी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बनती है, और आप ज़रूर ये वॉच कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कैसी लग रही हैं मेरी रेसिपीज़। और प्लीज़ बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, थैंक यू। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो ये हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, तो 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं और चिली जो है क्रश लिए हैं, सॉल्ट है, कोरिएंडर, धनिया कुटा हुआ, वाइट पेपर वाइट, और ये कढ़ाई मसाला, जीरा लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल लिया है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम कढ़ाई में ऑयल। ऑयल जो है वो 1 कप ऑयल लिया है मैंने, 1 किलो चिकन में मैं 1 कप ऑयल यूज़ करूँगी। तो इसमें ऐड किया मैंने चिकन को, चिकन को मैंने वॉश करके और ड्राई कर लिया था अच्छी तरह से। तो चिकन को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, और हम चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो हमारा ऑफ वाइट लग रहा है ऑयल, तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे और जो बोटियां हैं वो ब्राउनिश होने लगें पककर। तो अभी हम इसमें ऐड किए, हमने किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्लेम हमें इसकी हाई रखनी है, जितनी भी है वो मतलब फुल रखनी है हमें। तो देखिए ऑयल जो है अलग से ये थोड़ा सा चेंज होने लगा है इसका कलर, और बोटियां भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये थोड़ी सी अगर ब्राउन होने लगे तो मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है और गल चुका है। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बनती है, जब आप ये बनाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कितनी मज़ेदार रेसिपी है। तो देखें ये बोटियां ब्राउन हो चुकी हैं। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर 1 किलो थे और ये मैंने लंबाई में कट किए हुए हैं। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना जितना कि ये मैंने आप लोगों को बताया है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है कढ़ाई में। टमाटर ऐड किए इसमें, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करके और हम कुछ देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि स्टीम पर ये थोड़े से कुक हो जाए। तो फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला पैकेट वाला मैंने यूज़ किया है। ये है धनिया कुटा हुआ कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें। मिर्चें और धनिया जो है लाजमी कुटे हुए ही होने चाहिए, क्योंकि पिसे हुए से वो वाला मज़ा नहीं होगा। सॉल्ट हसबे ज़ायका, वाइट पेपर अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर लाजमी ये आप इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो हम चाह रहे हैं वो वाला टेस्ट आए। तो अभी इसको हम हरी मिर्च ऐड करके और थोड़ी देर और इसको कवर करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अभी हम इसके जो स्किन है इसकी छिलके इसके अलग करेंगे। मेरे चैनल पर और भी कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं डिफरेंट किस्म की,
आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। वाइट कढ़ाई है और हाईवे कढ़ाई डिफरेंट स्टाइल में भी एक बनाई हुई है मैंने। चम्मच की मदद से अच्छे से हम टमाटर वगैरह को मैश करते जाएंगे ताकि हमारी जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छी सी बने। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये वाली कढ़ाई नान के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप अपनी दावतों में शान बढ़ाएं, ये बनाएं रेसिपी, घर वालों को भी बना के खिलाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ज़ीरा इस पे ऐड किया मैंने और हरे धनिया और अदरक ऐड करूँगी क्योंकि ये रेसिपी आलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर जब तक आ जाए तो हम इसे करेंगे डिश आउट। तो इसका ऑयल नज़र आने लगा है और ये हमारी कढ़ाई हो गई है डन। तो फ्लेम ऑफ कर दी है और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप ज़रूर कमेंट में हमें सजेशन दें, हमें अपनी राय से आगाह करें और हमें बताएं कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज़, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी जो दिली ख्वाहिशें हैं वो पूरी करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।